हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ, जो कि मैंने अपने चैनल पर पहले से ही शेयर किए हुए हैं। तो अगर आपसे कोई मिस हो गया है तो यहाँ देख कर आप मेरे चैनल पर उन्हें देख सकते हैं और बनाना सीख सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए, हम अपने घर में हर चीज़ को मेनटेन करके रखना चाहते हैं और हर चीज़ को ये चाहते हैं कि वो बहुत ही कम स्पेस घेरे। तो देखिए, बस इसके लिए मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहला ऑर्गेनाइज़र है ये, जो कि हमारे बहुत सारे बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं, सभी को स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसे आप वार्डरोब में भी रख सकते हैं और संदूक वगैरह में भी रख सकते हैं। तो इसमें आपके बहुत सारे कपड़े हैं जो एक जगह स्टोर हो जाते हैं। तो सेकेंड ऑर्गेनाइज़र है ये, तो इसे आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने हैंगर की हेल्प से बनाया है। और इसमें आप बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा सामान है जो स्टोर करके रख सकते हैं। इसे मैंने केवल एक सिफॉन का मेरे पास ब्लाउज पीस था, उससे बनाया है। मैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए, एक ऑर्गेनाइज़र है ये, तो इसे मैंने केवल शर्ट से बनाया था, जो पुरानी शर्ट होती हैं। तो इसमें मैंने अपना जो भी स्टिचिंग का सामान है वो सारा रखा हुआ है। और देखिए, इसकी जो जेब थी, इसमें मैंने अपने सारे जो भी टूल्स हैं वो रख दिए हैं। तो मुझे सिलाई करती हूँ, जब भी चाहिए तो मैं ईज़िली ले सकती हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और ये देखिए, इसे केवल मैंने शर्ट से बनाया था और बहुत आसानी से बन चुका था। तो देखिए, अगले ऑर्गेनाइज़र हैं ये, तो देखिए इन दोनों को मैंने बनाया था केवल एक पॉलिथीन की मदद से। तो देखिए, इसमें मैंने अपने जो भी प्रोडक्ट हैं क्लीनिंग वगैरह के वो रख दिए हैं और एक साइड में रखा हुआ है। इसमें मैंने पर्स रखे हुए थे, लेकिन अब मैंने पर्स हटा दिए हैं। और बच्चों के जो भी स्टेशनरी का सामान होता है, पेंसिल बॉक्स वगैरह हैं, सारे मैंने इसमें रख दिए हैं। तो देखिए, अगला ऑर्गेनाइज़र है ये, तो ये है बुक होल्डर। तो बुक होल्डर को आप, मैंने इसमें बुक वगैरह रखी हैं, लेकिन किसी और भी काम में आप यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए, इसे भी बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि इन सभी को मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। क्योंकि आपसे अगर कोई भी मिस होता है तो आप उसमें देखकर इन्हें बना सकते हैं, और इन्हें बनाना बहुत इजी होता है। तो देखिए, एक है ये भी एक स्टोरेज बैग है, इसे भी मैंने वेस्ट क्लॉथ की मदद से ही बनाया था, तो आप बना सकते हैं। और देखिए, अगला ऑर्गेनाइज़र है ये, तो ये दोनों हैं, ये आपको बहुत पसंद आए हैं। तो ये 1 लाख प्लस इसमें व्यूज़ आए हुए हैं, तो ये सभी को बहुत ही पसंद आया है। और इससे बहुत ही सरल तरीका मैंने बताया है बनाने का, और इसे घर में वेस्ट पड़े हुए शॉपिंग बैग की मदद से आप बना सकते हैं। तो देखिए, अगला ये जो मटका शेप बैग है, इसे भी मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बनाना सिखाया है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो देखिए, अगला जो टिप है वो है कुछ, देखिए ये जो एक विंडो थी, इसे मैंने अलमारी में चेंज कर दिया है। और अलमारी में मैंने इसे किस तरीके से चेंज किया है, सारा कुछ मैंने आपसे शेयर किया है, तो इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक देने वाली हूँ, तो आप इजीली देख सकते हैं उनको। तो देखिए, ये इस तरीके से मैंने एक अलमीरा में इसे बदल दिया था विंडो को, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ मैंने कुछ वेस्ट पड़े हुए घर में टॉवल वगैरह होते हैं और कुछ वेस्ट कपड़े होते हैं, उनकी मदद से ये राउंड शेप पिलो हैं और स्क्वायर शेप हैं। तो ये और पीछे रखे हुए रेड वाले जो प्लो हैं, सारे मैंने वेस्ट क्लॉथ की मदद से ही बनाए, और इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, अगली टिप की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ ये बड़े बड़े आपको ईयरिंग्स दिख रहे हैं, तो इन्हें पहनने से हर कोई डरता है, लेकिन पहनने का शौक सभी को होता है, लेकिन उन्हें डर लगता है कि हमारे जो कान हैं वो, उनके होल हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो इसकी इन्हें पहनने आपके कान के जो छेद हैं वो बिल्कुल भी बड़े नहीं होंगे। तो इसका मैंने आपको सोल्यूशन बताया है एक वीडियो में, तो उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप बेझिझक होकर बड़े बड़े ईयरिंग्स पहन सकते हैं और आपके कान के छेद हैं वो बड़े नहीं होंगे। तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है वो। तो देखिए, एंड में लास्ट टिप है मेरी कुछ इस तरीके के दुपट्टों को लेकर। तो इसके लिए मैंने आपको 4 ऑर्गेनाइज़र बताए हुए हैं और बहुत सरल हैं वो उन्हें बनाना। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतना सा ही था, तो तब फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।